नमस्कार। आज की क्लास में हम आईए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत पढ़ेंगे, अ थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण शब्द से तो आप लोग बहुत भली भांति परिचित होंगे कि संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है ना। आज हम ये जानेंगे कि आईए रिचर्ड्स, जो 20वीं शताब्दी के एक बड़े महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में विख्यात रहे, उन्होंने इस संप्रेषण के सिद्धांत को कैसे व्याख्यायित किया है, यानी कि कविता या साहित्य में संप्रेषण से उनका क्या तात्पर्य है, या किस तरह से काव्य या साहित्य ठीक ढंग से पाठक या श्रोता तक संप्रेषित होता है, उसमें कौन सी ऐसी बातें महत्व रखती हैं। आई बात समझ में। सबसे पहले थोड़ा हम आईए रिचर्ड्स के बारे में बहुत संक्षिप्त परिचय जानेंगे और फिर हम उनके सिद्धांत पे आएंगे। आईए रिचर्ड्स का पूरा नाम है इवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स, इनका पूरा नाम था। वर्ष 1893 में इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और आईए रिचर्ड्स जो थे वो मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के भी बहुत गहरे अध्येता थे। मनोविज्ञान का इतनी गहराई से इन्होंने अध्ययन किया था कि इनके आलोचना संबंधी जो सिद्धांत है, जो चिंतन है, उस पर मनोविज्ञान की गहरी छाप देखने को मिलती है। और कई बार वह गहरी छाप इनके चिंतन में विरोधाभास और जटिलता भी पैदा करती है। लेकिन चूंकि यह एक स्वाभाविक सी बात है कि एक व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, जिसमें गहराई से डूबता है, उसका असर उसके व्यक्तित्व और चिंतन पर देखने को मिलता है। बहुत सुपठित व्यक्ति थे और ज्ञान विज्ञान की तमाम सारी शाखाओं का बहुत बृहत्तर अध्ययन इन्होंने किया था। अर्थशास्त्र का भी बहुत अध्ययन किया था, नैतिक शास्त्र का भी बहुत अध्ययन किया था, तो दायरा इनका बहुत बड़ा था। और आगे चलकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे, अंग्रेजी का अध्यापन इन्होंने किया। ठीक है, वैसे तो आईए रिचर्ड्स ने लगभग एक दर्जन किताबें लिखी, आलोचना संबंधी किताबें लिखी, महत्वपूर्ण किताबें लिखी, लेकिन उनकी ख्याति या उनकी प्रसिद्धि का जो आधार है, उसमें दो किताबों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, पहली किताब है द प्रिंसिपल ऑफ लिटररी क्रिटिसिज्म। क्या नाम है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटररी क्रिटिसिज्म। ठीक है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं साहित्य आलोचना के सिद्धांत, जिसका प्रकाशन 1924 में हुआ था। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण किताब है आलोचना संबंधी इनकी, वह है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिचर्ड्स का मनोविज्ञान पे बहुत गहरा अध्ययन था, बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से उन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। अतः रिचर्ड्स ने मनोविज्ञान का आधार लेकर आलोचना संबंधी कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें दो सिद्धांत उनके बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है मूल्य सिद्धांत, ठीक है ना, और दूसरा है संप्रेषण का सिद्धांत। आज हम उस संप्रेषण के सिद्धांत के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में अ थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम आते हैं कि संप्रेषण क्या है। देखिए, अगर संप्रेषण ना हो तो हमारा जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। हम अपनी बातचीत एक दूसरे तक ना पहुंचा पाए, एक दूसरे की बात को अगर हम समझ ही ना पाए, तो क्या जीवन आसान होगा? जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा अगर भाषा ना हो, संप्रेषणीयता ना हो। आप देखेंगे कि कलाएं वह माध्यम होती हैं, कोई भी कला, चाहे वह चित्रकला हो, संगीत कला हो, साहित्य हो, कलाएं वह माध्यम होती हैं जिसके माध्यम से कलाकार अपनी अनुभूतियों को दर्शक या श्रोता तक क्या करता है, पहुंचाता है या पहुंचाने का प्रयास करता है। एक और बात आप समझते होंगे कि कलाकार जो होता है और सामान्य लोग जो होते हैं, जनसाधारण जो लोग होते हैं, उनकी अनुभूतियों में कोई फर्क नहीं होता है। अब कलाकार भी प्रेम को महसूस करता है, सामान्य आदमी भी प्रेम को महसूस करता है, कलाकार को भी गुस्सा आ सकता है, सामान्य आदमी को भी गुस्सा आ सकता है, तो उनकी अनुभूतियों में कोई फर्क नहीं होता है। इस जीवन में, इस सृष्टि में हर एक व्यक्ति क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, दुख, सुख, सब तरह की अनुभूतियों से आप्लावित रहता है, सब तरह की अनुभूतियों को वो महसूस करता है। लेकिन अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने में। बहुतों की अनुभूति ऐसी होती है जो अनुभूति तो होती है लेकिन वो उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, उसे बयां नहीं कर पाते। जैसे कि गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए, कि अगर किसी गूंगे व्यक्ति को आप गुड़ खिला दे और कहें कि आप स्वाद के बारे में बताइए, तो वह क्या करेगा? उस स्वाद के बारे में नहीं बता पाएगा।
तो जनसाधारण में बहुतायत लोग ऐसे होते हैं जो अनुभव तो करते हैं लेकिन उस अनुभव को ठीक ढंग से बयान नहीं कर पाते, और जिसे वाणी का वरदान प्राप्त है, जिसके पास अच्छी भाषा है, अच्छी वाणी है, वह उस अनुभव को क्या कर देता है, बयां कर देता है। इस क्षमता में यानी कि अनुभूति और अनुभव को बयां करने में कवि हमेशा एक कदम आगे होता है, ठीक है। वह सिर्फ कहता नहीं है अपनी अनुभूति को, बल्कि इस ढंग से कहता है कि सुनने वाला एकदम मस्त हो जाता है, खुश हो जाता है, और उसको लगता है कि अरे वाह, ऐसा तो कभी मैंने भी महसूस किया था, ऐसा तो कभी मैंने भी सोचा था, लेकिन उसे मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाया, और कवि और कलाकार उसे क्या कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है, ठीक है। वसीम बरेलवी साहब की एक बड़ी अच्छी शायरी है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यानी कि बोलने का, कहने का, संप्रेषण का अगर तरीका आपके पास है तो आपकी बात प्रभावी ढंग से सुनी जाएगी। अब आइए, रिचर्ड्स कहते हैं कि प्रभावी संप्रेषण जो है, यानी कि प्रभावशाली तरीके से अपनी अनुभूतियों को, अपने विचारों को, अपने भावों को प्रस्तुत कर देना, प्रभावी तरीके से अपनी अनुभूतियों को प्रस्तुत करने की जो कला है, उसे आइए रिचर्ड्स क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। और इस संप्रेषण में जो समर्थ व्यक्ति होता है वही कलाकार होता है, वही कलाकार होता है जो उस अनुभूति को समर्थ ढंग से क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार कवि, कलाकार या सर्जक की जो अनुभूतियां हैं, उस अनुभूतियों का भावक या पाठक के द्वारा अनुभव किया जाना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। आई बात समझ में? और आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि यही एक कलाकार की श्रेष्ठता के लिए महत्वपूर्ण होता है कि कैसे भाव और विचार उस तक पहुंचे और इतने शानदार ढंग से पहुंचे कि वह भी इससे क्या कर सके, जुड़ाव महसूस कर सके और उसे लगे कि अरे ये तो मेरे मन की बात हो रही है, ठीक है ना, ये तो मैं जो सोचता हूं या मेरे मन में जो भाव है वो भाव यहां आ रहे हैं। आप याद करिए कि जब आप कोई गीत सुनते हैं तो खुश क्यों हो जाते हैं, या उदासी में भी जब कोई आप गीत सुनते हैं, गम के गाने सुनते हैं, तो क्यों आप उससे कनेक्शन महसूस करते हैं, वही संप्रेषण हो रहा होता है आपके भीतर। आपके भीतर की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को वो गीत, वो फिल्म या वो कविता या वो कहानी क्या कर रही होती है, सामने एक पर्दे पे जैसे लगता है कि प्रस्तुत कर रही है। आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि कविता या साहित्य में संप्रेषण का यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि यह गुण बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक की अनुभूति को सबकी अनुभूति बना देने की जो कला या जो सामर्थ्य है, वह अगर कवि में नहीं है तो वह कविता श्रेष्ठ नहीं होगी या वह कवि श्रेष्ठ नहीं होगा। यानी कि एक की अनुभूति को सबकी अनुभूति बना देने का जो कौशल है वह कवि को बड़ा बनाता है, और उसे अन्य तक पहुंचाने का काम क्या करती है, कलाकृति करती है। इसलिए कला में या साहित्य में, साहित्य भी कला का एक हिस्सा है, उसमें प्रेषणीयता का गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब संप्रेषणीयता के आधार तत्वों पर विचार करते हुए आइए रिचर्ड्स कुछ और महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा करते हैं। इसका श्रेय वो दो लोगों को देते हैं, ठीक, एक कवि की वर्णन क्षमता को, ठीक है, और दूसरा श्रोता की ग्रहण क्षमता को। अब आप याद करिए रस सिद्धांत में, भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य चिंतन में भावयित्री प्रतिभा और कारयित्री प्रतिभा, याद है ना। भावयित्री प्रतिभा क्या होती है कि कैसे भावों को ग्रहण करने की जो क्षमता अलग अलग लोगों की होती है उसे भावयित्री प्रतिभा कहा, और कार्ययित्री प्रतिभा मतलब सृजन करने की क्षमता। ये भी वही बात कह रहे हैं, आइए रिचर्ड्स कह रहे हैं कि संप्रेषण में ये दोनों तत्व महत्वपूर्ण है। एक तो कवि ने कितने खूबसूरत ढंग से, कितने कौशल के साथ उस भाव, विचार और तथ्य को प्रस्तुत किया, और दूसरा पाठक के पास क्या वह प्रतिभा है जिसने, जिस प्रतिभा ने उस भाव और विचार को क्या किया, आत्मसात किया। इसलिए वो कहते हैं कि कला के लिए प्रेषणीयता आवश्यक है। वो मानते हैं आइए रिचर्ड्स कि कला के लिए प्रेषणीयता आवश्यक है, किंतु एक और बात कहते हैं वो कि क्या इसके लिए कलाकार को विशेष प्रयत्न करना चाहिए, क्या अलग से कोशिश करनी चाहिए, क्या अलग से एफर्ट्स करने चाहिए, क्या। इस संबंध में आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि नहीं, अगर कलाकार
अपने अपनी कलाकृति में किसी भाव या विचार को प्रस्तुत कर रहा है और उस भाव और विचार को संप्रेषणीय बनाने के लिए अगर वह कोशिश कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, तो इस बात की बड़ी संभावना है कि उस कोशिश की वजह से वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाएगा, ज्यादा सचेत हो जाएगा और रचना में कृत्रिमता या बनावटीपन के आने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि कलाकार या सर्जक को जानबूझकर रचना को या कला को प्रेषणीय बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वह एक अनकॉन्शियस माइंड है, वह रचना की प्रक्रिया में वह खुद ब खुद स्वतः चली आनी चाहिए। अब इसे ऐसे आप समझें कि आप कोई भाषण देना चाह रहे हैं, ठीक है, उसे 20 लोगों को सुनाना है और इतना सुंदर आप उसको सुनाना चाहते हैं, इतने सीरियस है कि हर कोई उस पर ताली बजाए। अब उसमें आप चाहें कि अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग करें, अच्छी अच्छी बातें आप कहें, तो कई बार इस कोशिश में आपका भाषण बोझिल हो सकता है। लेकिन अगर आप सहज रहें कि आपके मन की बात आपको अपनी भाषा में कहनी है, अपने तरीके से कहनी है, तो हो सकता है कि आप अपने मन की बात अपनी भाषा और अपने तरीके में कहना चाहें वह ज्यादा प्रभावशाली हो जाए, बजाय इसके कि आप रट कर कठिन कठिन शब्दों और बड़े बड़े जुमले और बड़ी बड़ी चीजों का सहारा लेकर अपनी बात कहने जा रहे हो। तो आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि कलाकार को इसके लिए अलग से कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि कलाकार जितना सहज और स्वाभाविक ढंग से अपनी बात प्रस्तुत करेगा उसमें संप्रेषणीयता का तत्व उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि संप्रेषण की रोचकता में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक तो कवि की प्रतिभा, उसका विश्लेषण, उसका वर्णन, उसकी भाषा, भाषा बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि भाषा के माध्यम से ही संप्रेषण होगा। और दूसरा, जब विषय बहुत रोचक हो। अब संप्रेषणीयता सिर्फ भाषा पे निर्भर नहीं है, वह विषय वस्तु पर भी निर्भर है। अब जैसे कि कोई फिल्म बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन कॉमेडी फिल्म हो, तो हो सकता है आपको कॉमेडी फिल्में पसंद ना हो, लेकिन हो सकता है आप थ्रिलर फिल्में देखना चाहते हो, क्राइम थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो, सस्पेंस मूवीज देखना चाहते हो। तो भाषा के साथ साथ उस विषय वस्तु का चुनाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि कवि को चाहिए कि वह अच्छी भाषा जो कि बिना कोशिश से आए, ठीक है ना, सहज भाषा हो और कवि रोचक विषयों का चयन कर सके ताकि वह अपने भाव और विचार को ठीक ढंग से पाठक के सामने क्या कर सके, संप्रेषित कर सके। अब जब हम इस संप्रेषण के आधारभूत बेसिक्स को समझ चुके हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है कि संप्रेषण का संबंध किससे है, भाषा से। तो काव्य भाषा और संप्रेषण के संबंध में आई रिचर्ड्स का जो चिंतन है उसे हमें समझना होगा। हम सब जानते हैं कि काव्य में संप्रेषण का प्रमुख माध्यम क्या है, भाषा है। भाषा के माध्यम से ही वो विचार और भाव क्या होते हैं, श्रोता तक या पाठक तक पहुंचते हैं, ठीक है। और उसी वह भाषा या शब्द का प्रयोग कवि क्यों करता है, उस अर्थ को या भाव को सूचित करने के लिए भाषा और शब्द का प्रयोग करता है। भाषा में सामान्यतः चार बातें निहित होती हैं जो अर्थ और भाव को ठीक से संप्रेषित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला है वाच्यार्थ, जिसे कि सेंस कहते हैं, कि जो बात कही गई है उसका सेंस क्या है, किस सेंस में वो बात कही गई है, वो क्या ध्वनित करना चाह रही है। दूसरा है भाव या फीलिंग्स। अब देखिएगा, शब्द का सेंस भी होगा, शब्द की फीलिंग्स भी होंगी, उसका अर्थ भी होगा, उसका टोन भी होगा, उसका इंटेंशन भी होगा। एक ही शब्द में ये सारी चीजें, यानी कि भाषा में ये सारी चीजें पाई जाती हैं कि वाच्यार्थ यानी कि सेंस क्या है, दूसरा भाव यानी कि फीलिंग्स क्या है, तीसरा टोन, वाणीगत चेष्टा, किस लहजे में वो बात कही जा रही है। जाहिर सी बात है, प्यार की भाषा अलग होगी, प्यार का लहजा अलग होगा, गुस्से की भाषा या गुस्से का लहजा अलग होगा। और लास्ट आता है जो चौथा तत्व है, जो चार बातें भाषा में निहित होती है, वो है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब अभिप्राय, वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। भाषा से उपयुक्त ये चारों प्रकार के अर्थ सूचित होते हैं, भाव भी, सेंस भी, चेष्टा भी, इंटेंशन भी, ठीक है।
किंतु परिस्थिति, समय और परिवेश के अनुसार इनके अनुपात में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। कहीं इंटेंशन ज्यादा प्रभावी होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको डांट दिया, लेकिन आपको ये पता है कि डांटूंगा तो टोन बड़ा होगा, लेकिन डांटने के पीछे हो सकता है कि इंटेंशन मेरा सही हो। आई बात समझ में? ठीक है, हो सकता है कभी मैं बहुत प्यार से ही बोलूं लेकिन भाषा बहुत नरम हो, लेकिन उसके पीछे व्यंग्य छुपा हुआ हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये जो चार तत्व है, कौन कौन, सेंस, भाव और चेष्टा और इंटेंशन, ये चारों का बड़ा गहरा प्रभाव होता है संप्रेषण के दौरान, और परिस्थिति और परिवेश और विषय वस्तु के अनुसार इनके अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। संप्रेषण की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए आइए रिचर्ड्स ने कुछ प्रक्रियाओं का उल्लेख किया, जिसमें 5-6 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें पहली बात वो कहते हैं कि मुद्रित शब्द जो होते हैं, लिखित शब्द जो होते हैं, उनको सबसे पहले श्रोता या पाठक आंखों द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है। हम उसे देखते हैं सबसे पहले, कविता आई, कहानी आई, तो हम क्या करते हैं, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ने के बाद नेत्रों द्वारा प्राप्त, दूसरी बात जो कह रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया, नेत्रों द्वारा प्राप्त संवेदना से संबंधित बिंबों को ग्रहण करते हैं हम। अब वह आता पछताता पथ पर आता, दो टूक कलेजे के करता, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता वह आता। पहले हमने शब्द में इसे पढ़ा, शब्द देखते ही हमारे सामने एक बिंब उभरने लगा, दूसरी प्रक्रिया हुई ना, चित्र उभरने लगा। ठीक है, और स्वतंत्र बिंब उभर रहे हैं। अब चार लोग इस कविता को देख रहे हैं, तो चारों के दिमाग में अलग अलग बिंब उभर रहे हैं, वो भिक्षुक के ही बिंब, ठीक है ना। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं आपसे पूछूं कि आपकी कल्पना का भिक्षुक कैसा है, तो किसी का बहुत लाचार होगा, उसकी बनावट, उसकी रूपरेखा, जिस परिवेश में आप उस भिक्षुक को देख रहे हैं वो जगह अलग हो सकती है, आपके यहाँ जगह अलग हो सकती है, कोई पहाड़ के भिक्षुक को देख सकता है, कोई सड़क के भिक्षुक को देख सकता है, देख सकता है कि नहीं देख सकता है। तो अलग अलग, यानी कि वो कह रहे हैं कि स्वतंत्र ढंग से आप पाठक क्या करता है, बिंब ग्रहण करता है, और ये ठीक बात है, सबका सभी एक जैसा बिंब ग्रहण करें यह जरूरी नहीं है। उसके बाद विभिन्न वस्तुओं का बोध, चौथा जो बताया उन्होंने, विभिन्न वस्तुओं का बोध। अब जिस विषय वस्तु का को आप ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ी हुई विभिन्न वस्तुओं का भी बोध आपको हो रहा है। जैसे कि आप भिक्षुक है तो किस हाल में है, क्या पहना है, कैसे आ रहा है, ठीक है, कैसे बोल रहा है, तो उसके साथ साथ के परिवेश का बोध होना आरंभ हो जाता है। उसके बाद भाषानुभूति होती है। भाषानुभूति कहने का मतलब यह है कि अब जो कवि कहना चाह रहा था वह अनुभूति अब हमारे भीतर जागृत होना आरंभ हो जाती है। पहले शब्द आते हैं, शब्दों से बिंब बनते हैं, उन बिंबों से स्वतंत्र ढंग से हम विचार करते हैं, भाव करते हैं, और फिर उसके बाद अनुभूति आती है भाषा के माध्यम से। और छठा कहा, दृष्टिकोण से सामंजस्य। दृष्टिकोण से सामंजस्य का मतलब है, इसको आप हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में संचारी भाव, जो सबके भीतर होते हैं, वो भाव सबके भीतर होते हैं, परिस्थिति, ठीक है ना, और घटना के बरक्स वो भाव क्या हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। दृष्टिकोण से सामंजस्य का मतलब आइए रिचर्ड्स का, उस संचारी भाव से, यानी कि अब हमारे भीतर जो एक करुणा का भाव था, अब पहले हमने शब्द में देखा, फिर बिंब में उसको, उसकी परिकल्पना की, स्वतंत्र ढंग से सोचा, अनुभूति की, और अब वह हम उस भिक्षुक के प्रति करुणा महसूस करना आरंभ कर देते हैं। यही इस संप्रेषण के काव्य में, संप्रेषण के ये 6 चरण आइए रिचर्ड्स बताते हैं। आई बात समझ में? अब आप देखें कि ये जो आइए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत है, वह भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत से मेल खा रहा है, किस चिंतन से मेल खा रहा है, जहां वो ये आइए रिचर्ड्स कह रहे हैं कि पाठक कवि की जो अनुभूति है वह अनुभूति कविता में जब प्रस्तुत हो तो पाठक की अनुभूति बन जाए, पाठक उससे पूर्ण तादात स्थापित कर ले। यह भारतीय काव्य चिंतन के किस, कौन सा भारतीय काव्य चिंतन इसकी बात करता है, साधारणीकरण, साधारणीकरण भी तो यही है ना। लेकिन भारतीय आचार्यों के विचारों से पर्याप्त मतभेद आइए रिचर्ड्स ने क्या किया है, व्यक्त
किया है। भारतीय आचार्य काव्य का लक्ष्य रस को मानते हैं, आनंद को मानते हैं, जबकि आई रिचर्ड्स कहते हैं कि आनंद काव्य का लक्ष्य नहीं है, वो भाव दीप्ति को काव्य का लक्ष्य मानते हैं, यानी कि भाव का उद्दीप्त हो गया, वह भाव जगा, अनुभूति जगी, ठीक है, और वह उसे काव्य का लक्ष्य मानते हैं, ठीक है। और उनके अनुसार काव्य का लक्ष्य हमारे आवेगों को क्या करना है, संतुलित करना है, जो विरेचन में हम पढ़ते हैं, कैथारसिस में पढ़ते हैं, संतुलित हो जाना, तो वो ये मानते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अपने आप में एक विरोधाभासी बात है, विरोधाभासी बात ये है कि जब चीजें संप्रेषित होंगी तो हमें आनंद तो आएगा ही ना, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे जो भी हो। तो वो कहते हैं कि आनंद महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो उद्दीप्ति महत्वपूर्ण है, वो जो उद्दीपन हुआ हमारे भीतर, उसे वो महत्वपूर्ण मानते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आई ए रिचर्ड्स का ये जो संप्रेषण सिद्धांत है, थियोरी ऑफ जो कम्युनिकेशन है, वह कवि की प्रतिभा पर निर्भर तो करता ही है कि कैसे कवि अपनी कौशल और प्रतिभा से भाव और विचार को पाठक और श्रोता तक संप्रेषित करता है, लेकिन वह संप्रेषण कैसा हो, उद्दीप्त करे, उद्दीपन जगाए, उनके संवेगों का संतुलन करे, यह कहना है आइए रिचर्ड्स का। और आनंद को, रसानुभूति को वह काव्य का उद्देश्य नहीं मानते, वह किसे मानते हैं, उद्दीप्ति को, एक जो वेग आया, एक जो अनुभूति जगी, उसे वह क्या मानते हैं, काव्य का उद्देश्य मानते हैं। ध्यान से देखने पे आइए रिचर्ड्स का यह सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण के सिद्धांत से बहुत करीब दिखाई देता है, उससे मिलता जुलता दिखाई देता है। निष्कर्ष के तौर पे अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो हम कह सकते हैं कि आईए रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन रागात्मक आधार पर करते हैं और पाठकों के मन पर पड़े प्रभाव से उसे आंकते हैं कि किसी काव्य का प्रभाव पाठक के ऊपर कैसे पड़ा, यानी कि उसका संप्रेषण कितना हुआ, इसी आधार पर वह काव्य का मूल्यांकन करते हैं। यदि संप्रेषण प्रभावशाली ढंग से हुआ तो काव्य महत्वपूर्ण है, अगर संप्रेषण प्रभावशाली ढंग से नहीं हुआ तो काव्य स्तर, काव्य का जो स्तर है वह अच्छा स्तर नहीं माना, ठीक है ना। दूसरा, उन्होंने भाषा में रूपकों के प्रयोग पर बल दिया कि जटिल से जटिल काव्य अनुभूतियों को भी रूपक कैसे श्रोता तक या पाठक तक पहुंचा देते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों को भी रूपकों के माध्यम से कवि अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके पाठक या दर्शक तक पहुंचाता है। तो रूपकों के प्रयोग को भी उन्होंने संप्रेषण सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना है कि भाषण में टोन, जो लहजा है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका आधार संबंध ना होकर भाव दशा है। वो कहते हैं कि कैसी भाव दशा है इसका पता टोन से पता चलता है। मैं आपसे कहूं कि आइए बैठ जाइए, ठीक है, चलो आओ इधर बैठो, यहां आई बात समझ में, तो टोन से पता चल रहा है ना भाव का, कि भाव क्या है, क्रोध है, प्रेम है, गुस्सा है, तो इस टोन को भी वो महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। उनका कहना है कि जिस प्रकार जो हमारी भावदशा प्रेम में होती है, वह भावदशा हमारी किसमें, क्रोध में नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आई ए रिचर्ड्स का यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जिसके अपने विरोधाभास है, विरोधाभास इसलिए कि आनंद को, रस उत्पत्ति को ये महत्वपूर्ण नहीं मानते, और जाहिर सी बात है संप्रेषण होगा तो रसानुभूति होगी, होगी ही होगी, लेकिन चूंकि मनोविज्ञान की दृष्टि से काव्य को, आलोचना को देखने का इनका जो सिद्धांत था वह महत्वपूर्ण था, नीति के चश्मे से, अर्थशास्त्र के चश्मे से काव्य सिद्धांत को देखने का इनका जो सिद्धांत था वो महत्वपूर्ण था, और उसने एक चर्चा और विमर्श की एक नई दुनिया पैदा की आलोचकों के सामने, पाठकों के सामने, इसलिए आई रिचर्ड्स के इस संप्रेषण के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आई बात समझ में, यही है आई रिचर्ड्स का संप्रेषण का सिद्धांत। कल की क्लास में हम आई रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत पे बातचीत करेंगे, ठीक है, रोक दीजिए।